श्रीमान् महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ वाणी हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ॐ श्रीं जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तये नमो नमः। जनंकु विष्णु प्रायमणे नमः तहंक चरणे तुंडे वलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतारी भो जगन्नाथ दैतारी अपरमानंक चरणारविंद जुगलरी अकिंचरर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासं तदो जयो मुदीरयति। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरी जतकृपां तमहं वंदे परमानंदमाधवं परमानंदमाधवं षोडशाध्याय। श्री कृष्ण उवाच आहुरी पुरातन कथा सुनिले नर खंडे व्यथा अवनी नगर ब्राह्मण नामता देव शर्मा जाड सर्वदा सट कर्मे निरत इंद्रिय जेता दंत संत तपस्यु वेद पाठे रत निष्कामी कर्म रे आसक्त नैमिषारण्य सुत सौनकादि ऋषि गण मानंकु विराजमान कराई बसाई चतुर्पार्श्वरे बसाई ए पवित्र अधिमास ए पवित्र मलमास पुरुषोत्तम मासर महत्य सौनकादि ऋषि मुनिगण माने सुतंकु पचारुछंती एवं सुत ताहा सुंदर भावरे मानव समाजर कल्याण उद्देश्य रे जहाँ भगवान महालक्ष्मी की ए अधिमास पुरुषोत्तम मास विषय कही थे जहाँ जगत कल्याण उद्देश्य रे कही थे सही वार्ता को सही कथा को महा सुत सौनकादि ऋषि मुनिगण मानंकु कहुचन एवं भगवान श्रीकृष्ण मध्य ए प्रश्नर षोडश अध्याय कहुचंती जे अति प्राचीन कालर कथा अति पुरातन कथा हे लक्ष्मी हे पद्मालया हे करुणामयी गोटे अत्यंत प्राचीन पुरातन कथा को तुमको मु कहुछ। माँ कहले आरे आरे कुहंतु कुहंतु आपणंकर मुखारविंदरु कथा शुणवा तो सौभाग्य थिले आपणंकर मुखारविंदरु कथा श्रवण करिवार सौभाग्य मिली था तेणु आपण से प्राचीन पुरातन कथा कहंतु मो मन भारी आग्रह होउची इच्छुक होउची आग्रह परिप्रकाश होउची तेणु आपण दया परवश होई से प्राचीन पुराकाल रे पवित्र कथा को समाज रे कल्याण उद्देश्य रे उत्थापन करंतु। ए परि केते काल रही दैवे मळ मास होई कले अवनी नगर रे ब्राह्मण देव शर्मा नामक जने ब्राह्मण थी अत्यंत निष्ठापरायण व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्तरु प्रत्येक दिन उठंती ब्राह्मणर जहाँ कर्म सट कर्म ताहा समस्त कर्म को से निपुण भाव रे निष्ठार सहित करिथांत एवं समस्त कार्य समापन करी तांकर दैनदिन तेल दुण संसार को से जीवन यापन करंती। एपरि अनेक दिन तांकर दैनदिन कर्म से एवं व्रत दीक्षा नवा दिन ठारु तांकर ब्राह्मणर जहाँ कर्म ताहा समस्त निष्ठार सहित ताहा पालन करुथान। विप्रभाव ही स्थिर मने उपाय करिवि केशने देहरे मोर नाही बल ए मास व्रत महाफल। देव शर्मा ब्राह्मण एमंत प्रकार जीवन जापन करुथान एवं देह मध्य दुर्बल हेलाने सौभाग्य क्रमे अधिमास बा पुरुषोत्तम मास आसी उपनीत हेले मन भितर देव शर्मांकर आग्रह परिप्रकाश हला अरे अत्यंत प्रत्येक तीन वर्षर अंतर रे देव दुर्लभ पुरुषोत्तम मास पदार्पण करी थाए जो मासर सख्यात स्वामी होचंती जे मुख्यकर्ता मुख्यर मुख्य जे संसार जे पालन करता मुख्यकर्ता जे मुख्य प्रदान करती भगवान पुरुषोत्तम ए मासर स्वामी अटंती एवं ए अधिमास मलमास पड़ुची कौन करी मो शरीर पारुनी वयस हो गलानी आखिकि देखा जाऊनी कान को सुघा जाऊनी तेणु ए समय रे मुझे अधिमास मलमास व्रत किपरि पालन करी मन भितर यहाँ भावना आसी दुख मध्य कल एपरि चिंति निद्रा गला स्वप्ने मो रूप देखिला
मुही बोलिली विप्र सुण ए मासे मौन भोजन करिले व्रतर सकल फल मिलिब सुनिश्चल। एवं तो प्रकार मनरे दुख आसी राति रे सोइला बळुकु प्रभु को कहिला ब्राह्मण लोक से भगवानंग छड़ा ब्राह्मण राव के साथी अछि आ तेणु भगवानंग चरणारविंद रे समर्पित कला प्रभु कौन करिबी बड़ पाऊनी आखि की देखा जाऊनी शरीर रे गोड़ हाथ रु बलबद्ध कवि गलाणी अंटा रे छिड़ा हवा को शक्ति नाई कि प्रकार भाव रे ए महा पुण्य फल पुरुषोत्तम अधिमास आसी पहुँची चमती किपर ये व्रत पालन करी मुकोणे जीव थवावस्था ये व्रत पालन करें एमंत प्रकार भावी महाप्रभु चरणारविंद को समर्पण कर शोला राति जे जेमंत प्रकार भावती सेमंत प्रकार स्वप्न देखती देवशर्मा नामक ब्राह्मण रात्रि शोचंती भगवान को स्मरण करुंती भगवान भगवान परम ब्रह्म विष्णु को स्वप्न से देखिले एवं भगवान कहते भगवान को कहते एक कथा स्वप्न में प्रभु मु कौन करी ना ये देवशर्मा तुम्हें कहीं ब्राह्मण मोर प्रिय आमें तो मोर अत्यंत प्रिय सब मत स्मरण करुच चिंतन करुच मोर नाम प्रचार करुच सब सत्कर्म नियोजित अच हाँ तेणु तुम्हें गोटे काम कर ब्राह्मणे करिले व्रतर सकल फल मिलिब सुनिश्चल। कि व्रत करिब किपरि व्रत करिब ना तमे मौन व्रत ही पालन कर मौन व्रत पालन कले तमर शारीरिक मानसिक कौन से आखि कान गोड़ हाथर किसी आवश्यकता ना तमे चंचल मन को स्थिर करी तमे मौन व्रत जदि पालन करिब हे देवशर्मा ब्राह्मण तेबे तमे अधिमास पुरुषोत्तम मासर समस्त पुण्य फल तुमको मु प्रदान करी। ब्राह्मण से परि आदरी से मोठारे बरबरी इह लोकरे नाना भोग रोग अंते मो पुरे देला जोगो अद्यपि से ही शुभ कर्मा वैकुंठे वे बसे देव शर्मा। क भगवान आदेश को स्वीकार कर स्वप्नादेश को स्वीकार कर से मौन व्रत कर शरीर में नानादि रोग थिले मध्य से भगवान को स्मरण कर से शेषे वैकुंठपुर विराजमान कला एवं वैकुंठपुर भगवान कहते हे पदमालया ए वैकुंठपुर स्वर्गलोक देवशर्मा नामक ब्राह्मण सदा सर्वदा इंद्रों पाखे ही रही था से आज पर्यंत अच्छा कारण से पवित्र अधिमास मलमास मौन व्रत पालन करी ईश्वरंग ठार जो कृपा लाभ करिथिले से कृपा बळरे से देवशर्मा नाम रे आज पर्यंत मध्य विराजमान करिछत। देवलोक रे इंद्र थिले विप्रंक व्रत से सुणिले मौन फल रु एक दिन मागु ओइले दिव्य घेन। इंद्र थिले बहुत इंद्रपुर रे अमरावती पुर रे इंद्रपुर रे वैजंतपुर रे महाराज इंद्र सेठी राजत्व करुछंती देवता माने अछंती देवशर्मा मान देवशर्मांकर पुण्य फल विषय ते श्रवण कले मौन व्रत सम मलमास अधिमास मौन व्रत करी फल प्राप्त हो से इंद्र ने स्वर्ग रे विराजमान करिछंती से कहिले तबे ठीक अच्छी इंद्र तांकु मनरे इच्छा कले जे तमे जो मौन व्रत करी जो पुण्य फल अर्जन करिछ से पुण्य फल रु मते किछि दियो एवं ब्राह्मण कहिले जदि तमे मते मागुछ तबे मु आपनकु मोर पुण्य फल किंचित अंश को आपण को प्रदान करुच। विप्रंक ठारु से ही फल इंद्र लभीण महाबल इंद्रंक ठा इंद्र विप्रंक ठारु से ही पवित्र पुण्य फल प्राप्त ही ब्राह्मण ठारु से अत्यंत बलवान हेले तेजस्वी हेले एवं बृजवान हेले यशवान हेले धनवान हेले से निज को निजे जानी पारले नाही बोली लक्ष्मी फेर पुनर्बार लक्ष्मी मन भितर संदेह कले माँ पचारुंच भगवान विष्णु मलमास रे हृषिकेश पंच पर्वर कथा शेष कहंतु अनुग्रह करी जेणु मो प्रिय तुमे हरी। मलमास रे हे हृषिकेश हे पुंडरीकाक्ष हे पुरुषोत्तम ए पंच पर्वर कथा शेष है एवं अनुग्रह करी मते पंच पर्वर कथा को कहंतु
कहिले मु तृप्ति लाभ करिवि एवं एहा श्रवण द्वारा जनता जनार्दन आमपरि दीनहीन दुखी जन लोक माने आमे मुक्त लाभ करि पारिबा सामान्य सामान्य किंचित रूप रे आमे तगु पालन करि। श्री कृष्ण उवाच भगवान उवाच हे देवी सावधाने सुण पंच पर्वर कथा मान। तमें पंच पर्वर कथा सुनिब त हे देवी हे भगवती तमें श्रवण कर पंच पर्वर कथा कौन। वैधृति व्यति पात योग हरिद्वादश जेबे भोग अमा पूर्णिमा आदि करी ए पंच पर्व को विचारी क्रमरे श्रेष्ठ एही माने सुण कमले दिव्य ज्ञाने। पंच पर्व कौन ना वैधृति कर्मफल जमीती कर्मफल हूँ सतैश प्रकार कर्मफल एवं सतैश प्रकार कर्मफल मध्य ब्रह्म कर्मफल अच्छी इंद्र कर्मफल अच्छी जस कर्मफल अच्छी तो सतैश प्रकार कर्मफल भितर वैधृति नामक एक कर्मफल अच्छी वैधृति योग मध्य अच्छी एवं सी गोटे वैधृति व्यति पात योग हरिद्वादश जेबे भोग अमा पूर्णिमा आदि करी ए पंच पर्व को विचारी कर्मरे श्रेष्ठ एही माने सुण कमले दिव्य ज्ञाने। कले हे कमलिनी ए पंच पर्वर वैधृति अमावास्या पूर्णिमा द्वादशी एकादशी आदि जो दिवस पंच पर्व रही ए पंच पर्वर महात्म्य ए पंच पर्व पालन कले कौन मनुष्य को प्राप्त होता तार पुण्यफल कौन ता मुण को कहूँ। वैधृति जोगे जे उनर दानादि कार्यरे तत्पर ताहार कर्मे मो संतोष व्यतिपातरे जमतोष। वैधृति जोग एक अति पुण्यपद जोग अटे एवं से जोगरे जे जप करे तप करे मौन व्रत करे दीपदान करे बा कौनसी जाग यज्ञादि कर्म इत्यादि करे से कर्म द्वारा मु अत्यंत संतोष लाभ करी था। किए संतोष लाभ करी थांती ना स्वयं भगवान श्रीहरि पुरुषोत्तम से निजे ही संतोष लाभ क्या प्रत्येक कर्मर समस्त कर्म तांकरी उद्देश्य ही अनुष्ठित होता आमे तांको उद्देश्य करूना बोली आम दुख पाऊ आम दीपटे यदि उद्देश्य बसाते तेरे भगवान प्रीति हम आम फूलटे यदि उद्देश्य प्रदान करते भगवान मध्य प्रीति हमें आम फूल लगौचे आम नड़िया भोग दौचे आम भोगराग लगौचे दीप दौचे वस्त्र दौचे सबू दौचे आम दवा पछरे अनेक चिठा आम महाप्रभु को मध्य दौचे आज्ञा मु दीपटे बसैली मोर वर्तमान यही काम तक आपण मोर करदे ना मु व्रत कली मो व्रतर फल मत या देवे ना मु या छाड़िली मत आपण या देवे ना तेणु आम जहाँ कले आम डिमांड कले आम न्यस्त कले अधिकार सब्यस्त कले बाबा मुझे प्रभु आपण को उद्देश्य मुस जाक आपण को तुलसी चंदन चढ़ई तेणु आपण मत यार्जगुड़ मोर कर दिंतु यह ठीक कर्म नुहे एथेरे हरि संतोष लाभ करती ना जो कर्म अनासक्त भाव हरिंर प्रीति उद्देश्य भगवान प्रीति उद्देश्य आमे जहाँ भी किसी अर्पत्रम पुष्पम फलम पोयम जहाँ भी किसी आम अर्पण करवा ताधरे कौनसी आमर मनरे कलंक नथिवो निष्काम भाव दवा महाप्रभु ताकू आदर सहित ग्रहण करते प्रेमर सहित ग्रहण करते सी ताकू भल मंद बड़ छोट सान किसी देखती से प्रेम ही देखती से प्रेमर ठाकुर से प्रेमर ठाकुर से आनंदर ठाकुर से काटू किसी आशा करार ठाकुर से नुह तेणु सी हाथ गोड़ किसी आंगुठी पाद पाद ये किसी ना किंबुत किंबाकार केवल मत देख एवं गरुड़ पछरे देख दिशुची कला श्रीमुख जदि पारुच गरुड़ स्तंभ को टिके जाकी दियो आलिंगन कर दियो प्रेम कर दियो साष्टांग प्रणिपात कर दियो प्रभु तमे मोर मु तुम यही भावना को ही सी देख। वैधृति जोगे स्नान दान जे नर करे आचरण वैधृति वैधृति जोगे जो व्यक्ति स्नान एवं योग स्नान दान करे से अनंत कोटि पुण्य फल प्राप्त होते हे पद्मालया ए वैधृति योग हूँ अत्यंत पुण्यपद योग अटे।
ताहार वंचित संपत पूर्ण मु करे आदि कंद देव दुर्लभ जार फल एथिरे धन्य घृत तिल कले जे वैधृत जोगरे जो कोनोसी कर्म करी तार मन भितरे जे सत कामना करी था मु तार सत कामना को परिपूर्ण करी था तार सत कामना को ग्रहण करी था एवं तार मनस्कामना मध्य परिपूर्ण करी था जे जन कर ई प्रदान ता पुण्य अनंत कीर्तन जे जहा कर्म कला एतद मु यही कर्म कली ए कर्मर फल को भगवान श्री चरणारविंद जुगल रे समर्पण मस्तु समर्पण कर दबार अच्छे पाखे रखिब से आम जिनस नुहे कलीदेले ना से संतोष रे ला ग्रहण करी से अनंत पुण्य फल प्रदान करी था संक्रांति रे वैधृति पड़िले महाजोग ख्याति क्षण कु क्षण से बढ़ई अपार सुकृत दियई संक्रांति यदि वैधृत योग पड़ा तेबे से योग हूँ अत्यंत पुण्यपद योग अटे तार समकक्ष कौन सी योग ना वैधृति मल मासे पाही प्रहलाद दान थिला दे वैधृत योग माने कौन ये मल मास रे ही वैधृत योग पड़ी था जेतबेले वैधृत योग पड़े सेतबेले महाप्रभुंकर घट परिवर्तन ही था कालिया सामतंकर अमावास्या रे संक्रांति पड़िले ताहा ही वैधृति योग योग 27 प्रकार मनु संहिता इत्यादि रही आचार संहिता रही मनु योग हूँ 27 प्रकार तार शेष योगटे हूँ वैधृति योग अमावास्या युक्त संक्रांति हेले ही ताहा को वैधृति योग बोली कह जाए बोली विचार करा जाए एवं सही वैधृत योग रे ही महाप्रभुंकर घट परिवर्तन हुए जेतबेले महाप्रभुंकर आषाढ़ मास मल मास पड़ी था वैधृति मल मासे पाई प्रहलाद दान देथिला दे से पुण्य स्वर्गे इंद्रपद लभिला देवंक संपद वैधृति योगे दान देही तीन लोक रे पूजा पाई वैधृत योग रे ही नारद से दान देथिले प्रदान प्रदान करथि एवं सही दानर पुण्य फल रे से आज त्रिभुवन रे तीन लोक रे पूजित होचंती आज मध्य कलिकाल रे मध्य नारद महर्षि महर्षि आदि उपासित होचंती वैधृति योगे प्रति मासे व्रत आचरी नर से तिल प्रमाण कले दान असंख्यता हुए जान जे नारी घृत घृत दुग्ध स्वादो साकर राशि चूड़ा मधु तीन लोक रे आख्याति अन्य से द्विज जे दियंती बोधक द्वादश तिहारी अथवा दश संख्या धरी तिल टिके तिल प्रमाण अल्प टिके पछे हो तिल प्रमाण कले दान यदि आम अल्प टिके किसी आम यथाशक्ति संभव आम दान करवा वैधृति योग आप देखिए सब पांजी केत उठेले वैधृति योग पड़े खाली जे मल मास संक्रांति युक्त हेले वैधृति योग वैधृति योग आम एक प्रकार भाव दान पुण्य करवा द्वारा भगवान विष्णु महालक्ष्मी कहते हैं द्वारा अनंत पुण्य फल प्राप्त होता ता मल मास रे जदि वैधृति योग पड़ा ता अत्यंत पुण्य फल मास जहाँ कि नारद दे रु से तीन लोक विरजमान हो मोदक द्वादश तिहारी अथवा दश संख्या धरी नड़िया सहित मिसाही वैधृति योगे विप्रे दे ए वैधृति योग रे मोग मोदक द्वादश मोदक प्रस्तुत करी ता सहित नड़िया नारिकेल मिसाई ताकू जदि वैधृति योग रे ब्राह्मण हस्तरे प्रदान करा जाए कौन हबो ना से अनंत नित्य सुख प्राप्त हबो अनंत वैकुंठ प्राप्त हबो तार सप्तपुरुषर लोक मध्य से उद्धार प्राप्त हेबे समस्त रोग वैराग्यरु से खंडन लाभ करिवो तार जीवन आनंदमय हो एबे कहिबा प्रिय सुन व्याति पातर सुलक्षण सूर्य समान महातेजा जोग मध्य रे महाराजा अधर्म एहार बल रे धर्म होइला मही तले पूर्वरे सूर्य चंद्र जोगे उत्पन्न होइला स्वरागे सूर्य बरागे कुरुक्षेत्रे जे दान करे सुपवित्रे तहिरु जे फल प्राप्त अधिमास रे व्यतिपात
ଗୋଟେ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତେଇଶ ଯୋଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବେ, ତାହା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପରାଗ ସମୟରେ ଆମେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାଠୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗରେ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିମାସରେ ବ୍ୟତିପାତ ଯାଇ ଯେ କରେ ଦାନ ଧର୍ମ, ତାତୁଲ୍ୟ ନୋହେ ସେହି ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟତିପାତ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଦି କରେ, ତାହା ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନରେ ଆମେ ଦେବା ଏ ଯୋଗରେ ଦେବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିମାସରେ ଏହି ଯୋଗ ସେ ଫଳ ଅଧିକାରେ ଭୋଗ, ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଦିବସରେ ଯେ ଫଳ ମିଳ ଏ ସଂସାରେ। ବ୍ୟତିପାତରେ ସତ ଗୁଣ ପ୍ରୀତି ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜାଣ, ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ବ୍ୟତିପାତ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ତେବେ ଭଗବାନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କଲେ। ତାହା ବଢ଼ଇ ଦିନୁ ଦିନ ଏହା ପ୍ରଭାବେ ମୁନିଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗେ ରୋଗମ ରୋଗନ୍ତି ସହଜେ, ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜେ, ଏ ଯୋଗେ ପିତୃକୃତ୍ୟ କଲେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଯେ ଅଧିମାସେ ବ୍ୟତିପାତେ ବ୍ରତ ବାଦାନ ନିଜ ହିତେ, ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ମୁହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମଳମାସରେ ଏ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଦିନ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଅଛି, ସେ ପାଞ୍ଜିରେ ଥିବ, ସେ ଦେଖିକିରି କହିବେ, ବା ନିଜ ସ୍ୱଗୃହରେ ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ସେ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିକିରି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଥିବ, ଆପଣ ତିଳ ମାତ୍ରରେ ପଛେ ହଉ, ତିଳ ଟୋପାଟିଏ ସୁନା ହଉ, କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ହଉ, କାହାକୁ ଟିକିଏ ଚପଲଟିଏ ହଉ, କାହାକୁ ଟିକେ ବୋଧେ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ହଉ, ଯଥାଶକ୍ତି ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଦାନ କରିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ପରମହରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି। ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗଣମାନେ, ଏ ମାନବ ସମାଜ ଯଦି ଏ ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ତାର ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ପୁତ୍ରବା ଅପୁତ୍ରବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯିଏ ମାଗିଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଯିଏ ଯାହା କରେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାହାର ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ମୁହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ପଦ୍ମାଳେ, ଏ ବ୍ୟତିପାତ ଯୋଗ ଏବଂ ଏ ଯୋଗର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ। ଏ ପଞ୍ଚ ପର୍ବ କଥା ସାର ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ହେଲା ସ୍ଥିର, କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ସେ ପଦେ ଚିନ୍ତେ ନାରାୟଣ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍କମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାତ୍ମେ ନାମ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରେ ବାମନ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦମ୍, ଶ୍ରୀଧର କେଶବ ରାଘବ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ ନରସିଂହମ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।